Hi guys, welcome back to my vlogs and today is episode number 9, not day 9 because बीच में एक दो दिन ब्रेक हुआ है, so episode 9 है आज and आज मेरी intro बहुत different है रोज से, क्योंकि आज हमारी मम्मी आए मार्केट और टाइम नहीं था कुछ भी करने का. सुबह बस मैं उठी हूँ और निकल आई हूँ और सोई भी मैं कुछ 4 घंटे हूँ. क्यों मम्मी, कितने घंटे सोई हूँ? मम्मी के हिसाब से 5-6 घंटे सो लिए, मतलब नींद पूरी हो गई है तो अब घर के काम होने चाहिए. सो हम लोग आ गए उठ के मार्केट एंड बाकी आपको इसमें बिट्स एंड पीसेस में दिखाऊंगी. ऑल दो मैं फ्रेम में नहीं थी क्योंकि मार्केट में थे तो क्या ही बोलते हैं, मैं थोड़ी शाही हूँ एज आई टोल्ड यू. सो यस, अब हम लोग घर जा रहे हैं एंड घर जाके देखते हैं क्या करते हैं. अदरवाइज ये व्लॉग बहुत ही छोटा होगा एज यूजुअल. सो या सो गाइज, ये है अमीनाबाद मार्केट जहाँ मैं आज गई हूँ. और यहाँ पे ना ये सारी जो लेन्स हैं यहाँ पे ऐसे रोड पे थोड़े सस्ते वाले कपड़े मिलते हैं. और ये साइड में ना एक बताशे मतलब चाट की दुकान है एंड इसके ना गोलगप्पे गाइज इतने अमेजिंग होते हैं ना, मैं बता नहीं सकती. एक तो ये दो तरह से कहलाते हैं, मैं दिखाती हूँ. एक तो ये चटनी होती है और वो पीछे होते हैं नॉर्मल मटर. और चटनी के बताशे अगर खा लोगे ना, ओह, कुछ और खाने का मन नहीं करेगा. सो मम्मी ने तो कुछ बहुत सारे बताशे पैक भी करवाए थे और मैंने तो खाए भी थे बताशे, मतलब गोल गप्पे गाइस. सो अब यहाँ से निकलने वाली हूँ मैं, बट चलो मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ लखनऊ की लोकल मार्केट का थोड़ा सा स्वाद दे देते हैं आपको. सो ये ऐसा है पूरा मार्केट, मतलब शॉप्स भी हैं बट रोड साइड शॉप्स बहुत हैं स्टार्टिंग के में. मम्मी की हालत देखी, हम और मम्मी गए थे मार्केट और अब वापस आ रहे हैं. कुछ थोड़ी बहुत घर की चीज़ें लेनी थी मम्मी को और मुझे. हम लोग रिक्शा पे बैठे हुए हैं एंड अब घर की तरफ वापस जा रहे हैं. सो हमने सोचा कि ब्लॉग बना लें क्योंकि हालत बहुत ख़राब है, मतलब धूप इतनी ज़्यादा है बट मार्केट तो जाना है. तो चलो, आई होप आवाज़ आ रही हो मेरी एंड अब घर जाके बनाते हैं ब्लॉग. हे गाइस, सो फाइनली शाम हो गई है और मेरी आउटिंग शुरू हो गई है. सो मैंने सोचा कि शिफ्ट से पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि बहुत दिन से क्रेविंग हो रही थी मुझे मैगी खाने की एंड आई थॉट कि आज कुछ नया जगह ट्राई करते हैं. सो क्या हुआ ना कि मैं जा रही थी कपूरथला की तरफ. सो आई थॉट कि आईटी के पास भी काफ़ी सारी चीज़ें खुली है तो यहाँ पर भी कुछ खाया जाए. आई गॉट वन प्लेस जो काफ़ी खाली थी. सो मैंने सोचा कि यार ट्राई करते हैं और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया है. सो गाइज, मैंने एक ऑर्डर की थी मैगी जो ऑलमोस्ट आधी फिनिश हो गई है, बट मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम उसको व्लॉग कर लें. एंड इसके अलावा मैंने ऑर्डर किया था ये कोल्ड कॉफ़ी एंड ट्रस्ट मी काफ़ी अच्छा है. रुको एक सेकंड, मुझे कैमरा पलटने दो. या सो आई रियली लाइक द टेस्ट एंड आई थिंक यहाँ पे काफ़ी यूजुअल होने वाला है मेरा आना और मैं यहाँ के काफ़ी खाने वाली हूँ बिकॉज आई लव द मैगी. मैं जगह का नाम इसलिए नहीं बता रही बिकॉज इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, तो अगर किसी को जानना हो वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं डेफिनेटली बता दूंगी. तो इसके बाद मैं घर जा रही हूँ एंड देन दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एपिसोड्स. ऑल्सो अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे फॉलो कर लो एंड यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना क्योंकि जब भी मैं फिर वीडियो डालूंगी ना तो आपको पता चल जाएगा वाया नोटिफिकेशन. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज व्लॉग. आई नो बहुत छोटे व्लॉग्स बन रहे हैं बट आई एम होपफुल कि एक दिन तो आएगा जब मैं 15-20 मिनट का लंबा व्लॉग बनाऊंगी एंड आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट डे. टिल देन, बाय बाय.